बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा के संसदीय जिले छतरपुर में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जिले की 6 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती है। वहीं कांग्रेस को एक सीट बडाम लहरा से ही संतुष्ट होना पड़ा। इन सीटों से बीजेपी ने छतरपुर सीट से ललिता यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पज्जन को चुनाव हराया। वहीं महाराजपुरा से कामख्या सिंह ने कांग्रेस के नीरज दीक्षित, चंदा सीट पर बीजेपी के दिलीप अहिरवार ने कांग्रेस के हर प्रसाद अनुरागी, राजनगर सीट से कांग्रेस के 4 बार के विधायक विक्रम सिंह नातीराजा को बीजेपी के अरविंद पटेरिया और बडाम लहरा सीट पर कांग्रेस के रामसिया भारती ने बीजेपी के प्रद्युमन सिंह लोधी को चुनाव में हराया। इन सभी सीटों पर जीते प्रत्याशियों ने पहले राउंड में बढ़त बनाई रखी और जीत तक यह बढ़त बनी रही। इतने कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े रहे, उन्हें साथ दिया, पूरा का पूरा श्रेय हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको जाता है, हमारी जो जनता जनार्दन है उसको जाता है। इस चुनाव क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों पे, हम सब पे अपना भरोसा जताया है, उसके लिए मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। और जो चलना विधानसभा के सभी वरिष्ठ और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है भाजपा का, उनका धन्यवाद, और हमारे क्षेत्र के सांसद जी माननीय बीडी भाई साहब जी का भी धन्यवाद जिन्होंने उस क्षेत्र में इतना विकास कार्य कराया, मुख्यमंत्री शिवराज जी और हमारे मोदी जी। बिल्कुल निश्चित तौर पे बाहरी को भी नकारा है और कांग्रेस को भी नकारा है। बिजावर विधानसभा ने ठान लिया है कि हमारे घर परिवार का आदमी हमारे लिए काफ़ी है, हमें उसके बीच रहना है, उसी से सेवा करानी है। और ये जो आशीर्वाद मुझे मिला है, ये भरपूर आशीर्वाद, हमारे कांग्रेस परिवार के हमारे भाई भाइयों का आशीर्वाद, उनकी मेहनत और हमारे बड़ा मलहरा के एक एक वोटर के संघर्ष, उन्होंने जो मेहनत की है। आज छतरपुर में 6 विधानसभा में मतगणना की गई और 6 मतगणना केंद्रों का अभी 6 बजे तक हम लोगों ने रिजल्ट्स भी अनाउंस किया और इस बार प्रयास किया गया कि काउंटिंग भी हम लोग एक जैसे मतदान भी एक उत्सव की तरह रहता है, काउंटिंग भी हम लोगों ने बहुत ही कंफर्टेबल करने का एक प्रयास किया। आज इस तरह से छतरपुर विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और जब मैं वोट मांगने जाती थी तो उनसे यही कहती थी कि जब तक मैं जीऊँगी कर्जदार रहूँगी, जीवन भर कर्ज चुकाऊँगी। आज भी मैं वही बात कर रही हूँ।